हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार सिविल कोड का जो ये एग्ज़ाम डेट है वो कब है और एडमिट कार्ड कब तक आएगा। आपको पता ही है, आप ये सारी चीज़ें गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, काफ़ी परेशान हो। और मैंने पिछली बार भी कहा था, आप सब मेरे बारे में जानते हो, बिहार SI का जितना भी अभी तक वैकेंसी नया वाला आया, सब में मेरा रिजल्ट आया हुआ है। और इतना तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि फॉर्म भरना और एडमिट कार्ड तक का आना, ये सारा प्रोसेस किस किस फेज से गुजरता है मैंने आपको बताया भी है और अभी भी बताऊंगा। दो चीज़ें इसमें बड़ी कॉमन है और उसी के बेस पे मैं बताऊंगा कि आप तैयार रहिए कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। पहली चीज़ जो उसमें ये है, ये आप जब गूगल पे सर्च करोगे इन सब चीज़ों को, तो आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये आप ही के सर्च किए चीज़ें हैं जो सामने दिख रहा है, ठीक है। बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम कब होगा, 20 अक्टूबर तक। बिहार सिविल कोड क्लर्क की बात करें तो कोर्ट ने रंग के लिए आयोजित, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर मिल जाएंगी। आप सब जितना ज़्यादा सर्च करते हो यहाँ पे दिख जाएगा। अब इससे क्या होता है कि ये सर्च बार में जाता है, ठीक है। अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारी काम की चीज़ें भी बनाते हैं, बकवास की चीज़ें भी बनाते हैं। आपको मालूम है मेरा ये वीडियो सिविल कोड पर एटलीस्ट 3 महीने के बाद आ रहा है, लेकिन बहुत लोग यही सारा सिर्फ बना करके और आपका दिमाग खाएंगे। आपके अपने दिमाग को कचरे से मत भरने दो। पहली चीज, पढ़ना है ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है कि एग्जाम वो कब लेंगे। उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो रुक रहा है, ठीक है। जब वो सॉल्व कर लिया जाएगा, सारे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सारे जजेस जब उसको चेक कर लेंगे तो फिर वो कन्फर्म करके आपको दे देंगे। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि आपका एग्ज़ाम 25 दिनों के अंदर ही ले लिया जाएगा। मतलब आज एडमिट कार्ड जारी हुआ तो 25 दिन से 30 दिन लगेगा आपका एडमिट कार्ड होगा। क्या उतने दिन में आप एग्जाम निकालोगे? मैं बार बार कहता हूँ, बिहार SI दरोगा में भी यही होता है, हर बार अब यही हो रहा है। बच्चों का कंपटीशन कम करने के लिए अलग अलग नौटंकी किए जा रहे हैं। वो नौटंकी को आप समझो, अभी नहीं दिया जा रहा है, अचानक आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, क्या करोगे? तो इस चीज को समझो मेरे दोस्त, ठीक है। और ये जो दिमाग में आपके भ्रम है ना कि कब तक होगा, आप पढ़ाई करो। जो इसका सिलेबस है, पूरा सिलेबस को जितनी बार भी हो सकता है इतनी बार पढ़ो कि आपको खुद से लगा कि यार अब तो सिलेबस को इतनी बार पढ़ गया हूँ कि मैं तो क्वेश्चन सेट कर सकता हूँ, सिंपल सा बात है। तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है। तो यही था बात है, आप जब भी आएगा तो मैं इन्फॉर्म तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आप इतना परेशान मत रहो, इतना कुछ इधर उधर भागा भागी नहीं। पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, बाकी सारी भी चल रही है वीडियो, आपको जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।